ये मेरा साथ जो मुसलमान है हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम वही कश्मीरी हैं जिन्होंने 1947 में जब पूरे मुल्क के अंदर दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ के कश्मीरी पंडित, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिखों को बचाया। मगर आज हम इतने बेबस और लाचार हो गए हैं, इस किस्म की हलाकतें हमारे सामने हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं रहना चाहते हैं, हमें कोई। और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब रोज बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, जबकि यहाँ मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, इतने नौजवानों को जेलों में बंद रखा है। क्या मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं? आज भी इतने घर इन्होंने वहाँ अटैच कर दिए, उनको ताला लगा दिया। रोज ईडी के छापे, रोज एनआईए के छापे। क्या हम मिलिटेंसी खत्म करें? अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसके हस्बैंड को किसने मारा? वो बेचारे, उसको किसने मारा? गरीब, ये तीन तीन बच्चियां लेके कहां जाएगी? मुझे क्या पता था मेरा दुश्मन वहाँ पे, मेरा आयाल छोटा छोड़ के मेरे पे कौन सी गोलियां चलाएगी? मैं क्या करूँ इस आयाल से? मैं यहाँ नंदे रही हूँ, जब मेरा सहारा टूट गया यहाँ, मैं क्या करने रहूँ यहाँ? कल को मुझे भी मार देंगे। मेरा सहारा टूट गया यहाँ, मैं क्या करने रहूँ यहाँ? कल को मुझे भी मार देंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये आपके सामने मेरे